एक रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आप जरूर ट्राई करना, मजा आएगा। पकौड़ों की जगह पे आप ये बनाए, चिकन पकौड़ा बनाते हैं ना, तो आप ये भी ट्राई कीजिएगा, इसका भी जायका आपको बहुत मजे का लगेगा, और जल्दी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी झटपट। चिकन 1 पाव और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून या हसबे जरूरत, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। और हॉट चिली सॉस 1 टीस्पून लेवल करके, और काली मिर्च मैं इसमें डालूंगी 1/2 पीस से कम क्रश, तो आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। रेड जो मैंने रेड चिली पाउडर जिसमें डाला है ना, तो उसे स्किप करके आप काली मिर्च भी डाल सकते हो। और ये है ड्राई गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, अगर ये है तो इससे जायका अच्छा आएगा, ये डाल दे, नहीं तो फिर आप जैसे हम आम रूटीन में डालते हैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट, तो आप वो भी 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हो। नमक 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम या हसवे जरूरत, ऑयल 2 टीस्पून एक डाला, और ये 2 टीस्पून ऑयल, घी तो नहीं तो ऑयल इसमें जाएगा, अगर नहीं है ऑयल तो फिर आप घी मेल्ट करके इसमें शामिल कर सकते हो। ऑरिगानो 1/2 टी से कम है, ये 1/4 टीस्पून हो गया, ये इसमें डाल दिया। अगर आप पेपरिका पसंद करती है तो वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो, पेपरिका आप लेंगे 1/2 टी से थोड़ी कम, इसे अच्छा सा मिक्स करना है। इसकी मैरिनेशन सारी इसमें मुकम्मल हो चुकी है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं कुछ टाइम, घंटा आधा घंटा या 15 से 20 मिनट तो लाजमी छोड़ें। इसके बाद फिर आप अपनी रेसिपी की तैयारी कर लें, जो जो इसमें डलेगा, तो मजेदार सी ये रेसिपी है, आप बनाएंगे ना तो तभी आपको पता चलेगा ये कितने मजे की बनी है। तो मैं इसे अच्छा सा मिक्स करके तो इसे मैं छोड़ रही हूँ और फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में छोड़ देंगे और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। जी चिकन मैंने तकरीबन आधा घंटा छोड़ दिया था इसे मैरिनेशन करके, तो अब आपके सामने है, तो इसे शिफ्ट करते हैं दूसरे बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 पाव लिया चिकन, अंडा 1 अदद है, तो मैं आधा अंडा इसमें डालूंगी। अगर आप आधा किलो चिकन ले रहे हैं ना, तो पूरा अंडा आप शामिल कर सकते हो। ये 1/2 अंडा मैंने बचा लिया। जितनी चीज रिक्वायर्ड हो ना, जिस चीज में अगर ओवर करते हैं ना, हम ज्यादा चीज डाल देते हैं तो वो चीज हमारी खराब होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखा करो। जितनी मैरिनेशन बताई उतनी ही आप करो। अगर मैं अंडा सारा डाल देती ना पूरा, तो इसमें फिर वो अंडा ज्यादा नजर आता, तो इसलिए मैंने 1/2 अंडा डाला है, जो कि इसके लिए बिल्कुल सही है। मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ इसलिए कि अंडे के जो लम्स है ना वो खत्म हो गए। अंडे के लम्स सारे खत्म हो गए, तो अब इसमें मैरिनेशन इसके एक और करनी है, वो करते हैं। कॉर्नफ्लोर लेवल करके 1 टेबल स्पून लेवल करके लेना है, ज्यादा ओवर करके नहीं लेना, तो इसी हिसाब से ये भी लेवल करके कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के गए इसमें। मैदा 1 टेबल स्पून मैं फुल भर के ले रही हूँ। चार टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसमें मैदा ऐड कर दी। मायनीज 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, अगर आप क्रीम डालना चाहें ना तो 2 टेबल स्पून आप क्रीम भी डाल सकते हैं। जिस बर्तन में मैंने मैरिनेशन की थी ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया, और इससे पानी तकरीबन के मेरे पास है 2 टेबल स्पून, तो मैं ये चेक कर लूँ कितना इसे पानी रिक्वायर्ड है, तो मैं उतना ही डालूंगी। ये इसमें टोटल 2 टेबल स्पून पानी चला गया, और इसमें मैं 1 पिंच
मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। अगर बेकिंग पाउडर है तो आप फिर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर है वो इससे जो होता है ना मीठा सोडा ज्यादा उसमें तेजी होती है, जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें तेजी जरा कम होती है। तो जैसे ही आप इसमें ये मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डालें ना, तो फिर आपने फौरन ही फ्राई करना है, जिस काम के लिए जो हम फ्राई कर रहे हैं, जो भी रेसिपी फ्राई वाली हो तो उसे आपने फिर फौरन ही फ्राई करना है। नमक पहले जब मैरिनेशन इसकी की तब डाला। अब मैं फिर इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, जो मैदा हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है ना उसी हिसाब से फिर दोबारा से नमक इसमें जाएगा। लेकिन आप चेक करके हसवे जरूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना ही इसमें नमक शामिल कीजिएगा। तो अब फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने ज्यादा नहीं लिया, शैलो फ्राई जैसे करते हैं ना उससे थोड़ा ज्यादा है। ऑयल गर्म हो चुका है तो ये मैंने 1 चम्मच में लिया, बड़े चम्मच में लिया है, और 1 टेबल स्पून के करीब लिया, और ये इस तरह मैंने इसको यहाँ डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना, आप समझो कि ये पकोड़े हैं और क्रिस्पी पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चिकन था ना छोटे छोटे क्यूब के, इतने भी छोटे नहीं थे, क्यूब की शक्ल में मैंने इसे काटा है, तो लंबे नहीं है ये, क्यूब की शक्ल में। ये मैं शुरू में दिखा बताया नहीं आपको, तो आप क्यूब के दरमियाने साइज में आप क्यूब की शक्ल में ले लें। बस फ्लेम मैंने मीडियम से कम रखा हुआ है, इसलिए कि चिकन कच्चा है ना तो ये स्लो स्लो फ्राई होगा ना, तो तभी हमारा चिकन जो है ना अच्छा सा गलेगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है जब आपने फ्राई करनी। इस तमाम इस शेप में इस तरह दे के तो आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसमें थोड़े से तिल डाल रही हूँ, अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल लें। मेरे पास मिक्स ब्लैक और वाइट तिल मिक्स है, थोड़े से ये नजर आएंगे आपको ब्लैक भी, तो अगर ऑप्शन है डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो ना डालिए, लेकिन इससे खूबसूरती आएगी, खाने में भी जायका अच्छा लगेगा और खूबसूरती भी आएगी। तो ये मैं इसमें डाल के तो इससे मैं ढक दूंगी, थोड़ा फ्राई होने के लिए, अच्छा सा गल भी जाएगा चिकन और थोड़ा सा कलर जैसे ही आता है तो मैं आपको दिखा दूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था ढक्कन पे। अब ये कलर एक साइड से आ चुका है, तो दूसरी साइड से या तो आप इस तरह ऑयल डाल लें ऊपर, ताकि ये ऊपर से भी फ्राई हो जाए, तो पलटते रहे। एक यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप जरूर ट्राई करना, मजा आएगा। पकोड़ों की जगह पे आप ये बनाए, चिकन पकोड़ा बनाते हैं ना, तो आप ये भी ट्राई कीजिएगा, इसका भी जायका आपको बहुत मजे का लगेगा। और जल्दी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी, झटपट। चिकन पहले से कटिंग की हो, मैरिनेशन अगर करके रखी है आपने, टाइम पे आप फ्राई करें और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ एक मजेदार सा सॉस भी आपको सिखाऊंगी, जो कि इसके साथ बहुत ही मजा आने वाला है इस रेसिपी के साथ। तो जैसे एक साइड से कलर आ चुका है, दूसरी साइड पे आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने दोबारा से फिर ढक दिया था 1 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा ना अंदर से गल जाए, कच्चा ना होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए चिकन। और ये इसका कलर आ चुका है, इस तरह का कलर आए तो समझो कि एक साइड से ये तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ से भी जिस पीस का कलर नहीं आया मैं उसे कलर दूंगी, और ये जो कलर है ऐसा कलर होना चाहिए। तो खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, आप यकीन करें कि दिल चाह रहा है कि बस ये सामने हो और जो सॉस तैयार करेंगे वो और खाएं तो मज़ा ही आ जाए। आपने ज़रूर ट्राई करना है, और कमेंट बॉक्स में भी आके मुझे बताना है कि आपने ट्राई किया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये मैं चेक कर रही हूँ, जो कलर नहीं आया था वो रहने दूंगी, बाकी जो जिसमें पीसीज में कलर आ चुके हैं तो वो मैं निकाल के जाऊँगी। और फ्लेम तेज़ कर लें जब ये निकालें, ताकि ये ऑयल जो है ना अंदर ना हो। अब इन पीसेस को कलर आते हैं तो मैं निकाल के दिखाती हूँ, और ये चेक कर लो कि कितना मज़ेदार सा ये कलर आ चुका है, तो मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। तमाम पीसेस मैंने निकाल लिए, अब दूसरा बैग डालेंगे, और ये मैं एक साइड पे छलनी में रख दी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी ये सारा निकल जाए।
जी मैं इसमें केचप शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून, में मायने जाएगा 4 टेबल स्पून। क्रश इसमें जाएगी काली मिर्च हसबे ज़रूरत, पर थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए इसमें। हमारी सॉस भी तैयार हो चुकी है, तो केचप के साथ सिर्फ खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ना डिफरेंट स्टाइल के चिकन पकौड़ा आप समझ लो, और साथ में ये फिर सॉस भी आप इस तरह तैयार करेंगे तो फिर दोनों चीज़ें डिफरेंट करके बनाएंगे तो मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रिस्पी भी और सॉफ्ट भी। चिकन भी गल चुका है बहुत अच्छा सा, और जो सॉस हमने तैयार की है उसके साथ ट्राई करें इस तरह जैसे कि मैं ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पर है लाइक कर दें शेयर कर दें। मैंने व्लॉग चैनल बनाया है मुसरत के व्लॉग्स, और उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसमें मैं शॉपिंग करते हुए आपको नज़र आऊँगी कि सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ फिर जाके वहाँ जाएँ और सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी दे दिया करें उधर भी, और कमेंट भी दे दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।